हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ रवा की बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ। इसके लिए आपके पास मोटा वाला या बारीक वाला जो भी सूजी रवा आपके पास हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आधा वाटी रवा को हम लोगों को मिक्सचर जार में लेना है। साथ ही साथ आधा वाटी मैंने अगर ये लिया है ना रवा, तो उससे भी आधा हम लोगों को दही लेना है, मतलब 1/4। और 2 चम्मच के आसपास हम लोग इसमें तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा नाश्ता सॉफ्ट बना रहे। अभी हम लोग इसको मिक्सर जार बंद करके पीस के लेंगे। फिर पीस के हो गया ना, फिर अपने को फिर से 1/4 जितना, मतलब आपके पास छास हो ना तो आधे वाटी छास का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको खट्टा दही या छास का इस्तेमाल करना है। और ये दही छास बिगर भी आप ये नाश्ता बना सकते हो। आधे नींबू का रस डाल सकते हो। अभी मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से हम लोगों को फेटना है। कम से कम 5 मिनट के लिए इसको हम लोग को बैटर को फेटना है, जिससे क्या होगा, जाली अच्छी पड़ेगी। अभी एक टोप बर्तन कोई भी आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए और फिर दूसरा एक वाटी में पानी भर के रख दीजिए। और एक थाली को ऐसे तेल से ग्रीस करके लेंगे। आपके पास स्टीमर हो ना तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी इसको तेल से ग्रीस की हुई थाली अपने को इसके बर्तन के ऊपर रख के देनी है और फिर और एक थाली से इसको ढक के रखना है। 1 से 2 मिनट जैसे आप ढक दोगे ना, तो गर्म पानी तुरंत हो जाएगा। अच्छा गर्म पानी उबलता हुआ हो जाएगा ना, उसके बाद खोल के रख देंगे और इनो डालेंगे इसमें। आधे पैकेट के आसपास मैंने इनो डाला है। साथ में 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे इनो को एक्टिवेट करने के लिए। और फिर ये बैटर को अच्छे से फेट के लेंगे। आप चाहिए ना तो इसमें और सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर आज मैं ये नाश्ता बिगर सब्जी बना रही हूँ। बैटर का कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होना चाहिए, देख लीजिए। अभी इसको हम लोग सारा का सारा बैटर थाली जो हमने तेल से ग्रीस की हुए ना उसमें ले लेंगे। देखो मस्त हम लोग का सारा बैटर हम लोगों को ले लेना है इसमें। और इनो डालने के बाद अपने को पानी नहीं गर्म करना है, पहले पानी गर्म कर लेना है फिर इनो डालना है। ऐसे करने से नाश्ता मस्त एकदम सॉफ्ट बनाएगा। अभी इसको ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए होने देंगे। अभी मैंने क्या किया, इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए, थोड़ा सा, थोड़े से सफेद चना डाल देती है ना वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट सूखा वाला नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। हरा धनिया और साथ में 4 से 5 तीखी वाली मिर्ची डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से पीस के लेंगे। आपको चाहिए ना तो खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने चटनी को इसमें बाउल में निकाल के लिया है। तब तक 10 मिनट जैसा टाइम हो चुका रहेगा ना। और बर्तन पे एक थोड़ा सा वजन रख दीजिए, जिससे वो ढक्कन रखा रहेगा ना नीचे ना पड़े। देखो मस्त हमारा नाश्ता ये हो गया है, पक चुका है। चाकू की मदद से चेक करके लेना है कि नाश्ता पक चुका है क्या नहीं। चाकू में चिपक रहा है मतलब नाश्ता कच्चा है, चाकू से ना चिपके मतलब नाश्ता अच्छे से पक चुका है। उसको मैंने थाली को बाहर निकाल के ठंडा कर लिया है और फिर उसकी साइड्स को ऐसे अलग करके लिया है। अभी कोई भी आपके पास वाटी ग्लास या फिर कोई भी बर्तन का डब्बे का ये रहते हैं ढक्कन, वो ले लेना है और उससे ऐसे गोल कटिंग करके लेना है। ये मेहमान वगैरह है ना तो उनको भी ये नाश्ता आप दोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत लुक वाइज मस्त दिखता है ये। साथ ही साथ बच्चों के टिफिन बॉक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, ये देखो कितना सुपर सॉफ्ट हमारा बना है ये नाश्ता। सभी के सभी इसे मैंने रेडी कर लिए, ढक्कन की मदद से कट करके सभी के सभी नाश्ते को मैंने इस तरह से रेडी कर लिए। आप चाहिए तो रात के डिनर में, और ये नाश्ता बना के आप 3 से 4 दिन स्टोर भी कर सकते हो। देखो अभी मैंने क्या किया, एक तवा गर्म करके लिया हुआ है और उसमें 1 चम्मच के आसपास तेल डाल दिया है। और फिर हम लोग को जितना नाश्ता चाहिए ना उतने को आप सेक के लेंगे। और यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हार्डली 1 चम्मच तेल में सारा का सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। अभी इसको एक तरफ से पक चुका है ना तो हम लोग उसको पलट के लेंगे और ये नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट बना रहेगा। यहाँ पे आपको मैं एक बात याद दिला दूँ, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे इतनी अच्छी और इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी इसी नाश्ते को मैं और एक तरीके से भी बताती हूँ। दोनों तरफ से सिक के देखो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी उसी तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल फिर से गर्म कर लिया है
और उसमें थोड़े से राई के दाने डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के गैस की फ्लेम बंद करके फिर अपने को ये सारा का सारा नाश्ता इसके ऊपर रख देना है। देखो नाश्ता अच्छे से रख के हो जाएगा ना, फिर अपने को गैस की फ्लेम चालू करनी है। गैस की फ्लेम चालू रख के अगर आप मिर्ची पाउडर वगैरह सब डालोगे ना तो मसाले सारे जल जाएंगे, इसीलिए अपने को तेल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम बंद करके राई जीरा चटक जाए ना उसके बाद मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डाल के अपने को ये नाश्ते को सेक के लेना है। देखो मस्त हमारा नाश्ता दोनों तरफ से सिक चुका है, आप भी बना के एंजॉय कीजिए नाश्ता।